हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आज की वनस्पति इतनी जबरदस्त है कि आप देखते ही चौंक जाएंगे। दोस्तों, ये वनस्पति देखने में विचित्र लेकिन अद्भुत है। दोस्तों, देश के ज़्यादातर लोग इसे बागनकी के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी इसे बागनकी ही कहते हैं। इसके फल बिच्छू के समान आकार वाले होते हैं और इसे तोड़ना मुश्किल होता है। YouTube पर आपको इसकी कई वीडियो मिल जाएगी हत्था जोड़ी के नाम पर, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इसकी जड़ों में हत्था जोड़ी बिल्कुल नहीं होती। देश के अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका संस्कृत नाम काकनासा है, इसका हिंदी नाम बागनकी है और कुछ लोग हत्था जोड़ी भी कहते हैं। इसका मराठी नाम विंचवी और कन्नड़ में गरुड़ा मुगु मुल्लू कहते हैं। कहीं कहीं इसे उलट कांटा भी कहा जाता है, जबकि बंगाली और उड़िया में बागनखी कहते हैं। गुजराती में इसे विचुड़ो कहते हैं। इस पौधे का अंग्रेजी नाम है मार्टिनिया एन्युआ। दोस्तों, इसे कौवा ठोड़ी से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप इस पौधे को किस नाम से जानते हैं यह जरूर बताइए। ये पौधा 1 से 4 फीट तक ऊंचा और सीधा बढ़ता है तथा भारत के कई प्रांतों में वर्षा ऋतु में अपने आप उत्पन्न होता है। ये बंजर और खाली पड़ी जमीन मैदानी इलाकों में और पहाड़ी प्रदेशों तथा सड़क की दोनों ओर आपको देखने को मिल जाएगी। इसे बड़े बड़े पत्र लगते हैं और इसे 1 से 3 इंच लंबे हल्के गुलाबी रंग के पुष्प लगते हैं, जिसमें गुलाबी रंग की जाएं होती है। इसके पुष्पों का आकार भी विचित्र होता है। इस पुष्पों में से उग्र गंध निकलती है। ये पुष्प झुमकों में लगते हैं और जमीन की तरफ झुके हुए रहते हैं। पुष्प के बाद इसे फल लगते हैं जो हरे रंग के होते हैं। इसके फलों का आकार मुष्टिका के समान होता है और ये कच्ची अवस्था में हरे रंग के होते हैं। ये ज़्यादातर हवा में झूलते रहते हैं। फल जब पूरी तरह सूख जाता है तब ऊपर का आवरण टूट जाता है। इसके अंदर का आकार बिल्कुल बिच्छू के समान लगता है, इसीलिए इसे बिच्छू कांटा भी कहा जाता है। ये फल सूखने के बाद बहुत सख्त हो जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस पौधे की जड़ों में हत्था जोड़ी होती है, लेकिन ये बात सही नहीं है। पहले के जमाने में लोग इस फल को जूते के नीचे रखा करते थे, जिसके कारण चलते वक्त एक प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती थी। दोस्तों, इस पौधे की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों का रस निकालकर दाद, खाज और खुजली पर लगाया जाता है। बिच्छू के दंश के स्थान पर इसकी पत्तियों का रस लगाया जाता है। दोस्तों, इसके फलों का पाताल यंत्र से तेल निकाला जाता है। इस तेल को लगाने से कई प्रकार के चर्म रोग नष्ट होते हैं। दोस्तों, अगर पैरों में सूजन होती है तो ऐसे में इसके फलों का काढ़ा बनाकर पीने से पैरों की सूजन में तुरंत आराम होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड की समस्या होने पर इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से जल्दी ही फायदा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।